लिखा वो तो पढ़ा होगा ना, उसका छोटा सा पार्ट जो साहब ने लिखा, उसने चिन्मय गोपाल ने लिखा, मैं भेजता हूँ आपको। Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. देखिए जिस तरह से मामला सामने आया है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिस ग्रुप को स्वयं अजमेर जिला कलेक्टर द्वारा बनाया गया है, उसी ग्रुप में महिलाओं की गंदी तस्वीरें पोस्ट करना, ये सरासर अपराध है, जुर्म है। ऐसे ग्रुप के एडमिन के खिलाफ, जो स्वयं अजमेर के जिला कलेक्टर हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस सरकार के मुखिया स्वयं अशोक गहलोत जी हैं और उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें प्रशासन बेलगाम है और उसी के चलते आए दिन इस प्रकार की घटनाएँ सामने आ रही हैं। महिलाओं की इज्जत इस शासन में तार तार हुई है। मेरा सरासर आरोप है मुख्यमंत्री को कि जिस तरह से मुख्यमंत्री विधायकों के पत्र को संज्ञान नहीं लेते हैं, उनका कोई जवाब नहीं देते हैं और पूछने पर कहते हैं कि वो कोरोना की भेंट चढ़ गए, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि क्या 10 जनपद के माध्यम से पत्र लिखने पर ही वो किसी पत्र का संज्ञान लेते हैं क्या, या आम जनता की भी सुनते हैं? मैं निवेदन करती हूँ अजमेर के उन तमाम महिला शक्ति को और राजस्थान की महिला शक्ति को कि ऐसी सरकार की भर्त्सना करें, क्योंकि इस ग्रुप में महिला ऑफिसर्स भी शामिल हैं और जिस तरह से पोस्ट डाली गई है, महिलाएं तो क्या एक आम जन भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए इस कलेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। जिस तरह से आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसी तरह से अजमेर का जिला कलेक्टर भी एक आम व्यक्ति है, उसको भी इस कानून के दायरे में लाना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए।